नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे धर्मांतरण का मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। हाल ही में जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, मंगलवार को महाराष्ट्र के बीड से इरफान ख्वाजा खान को गिरफ्तार किया गया है। वह मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर यानी कि ट्रांसलेशन करने का काम करने वाला बंदा है। ये वही इरफान है जिसने 2017 और 2020 में दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया है। इन दोनों ही कार्यक्रमों में इरफान ने प्रधानमंत्री के भाषण को इशारों के जरिए मूक बधिर लोगों को समझाया था। अब इससे जुड़ी हुई एक और बात है कि अगर इरफान इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल हो रहा था, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहा था, तो क्या एसपीजी और पीएम की जो सिक्योरिटी है उनको इन सब बातों का आभास नहीं था, उनको ये मालूम नहीं था? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के साथ जिन दो कार्यक्रमों में इरफान ने मंच साझा किया है, उनमें एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और दूसरा गुजरात के राजकोट में हुआ था। राजकोट के कार्यक्रम में जो प्रोग्राम हुआ था वो प्रोग्राम 29 जून 2017 को हुआ था और दिव्यांगों के लिए इस कार्यक्रम में इरफान ने पीएम मोदी के भाषण को साइन लैंग्वेज में दिव्यांगों के लिए ट्रांसलेट किया था। मतलब कि जो लोग सुन नहीं सकते उनको इशारों में पीएम मोदी का भाषण उन्होंने समझाया। और दूसरा कार्यक्रम 29 फरवरी 2020 को हुआ। यहाँ भी इरफान ही पीएम के ट्रांसलेटर बन करके उन्होंने मंच साझा किया और कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी इरफान के पास पहुंचते हैं और पीएम मोदी ने उनकी पीठ भी थपथपाई। इरफान ने उस दौरान मीडिया को ये भी बताया कि प्रधानमंत्री से प्रशंसा के शब्द मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये पल मुझे ताउम्र याद रहेगा। ये बयान उनका उस समय मीडिया में आया था। लेकिन इसे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो इस पूरे मामले में अब जो जानकारियां दे रहे हैं उनके अनुसार जो एटीएस के आईजी हैं जीके गोस्वामी, उनका कहना है कि इरफान मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में जिम्मेदार पद पर काम कर रहा था, पद पर पोस्टेड था, वह किसी भी कार्यक्रम में पीएम के साथ शामिल हुआ हो, हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि वह धर्मांतरण के मामले में शामिल था और उसमें उसकी अहम भूमिका है। इस मामले में अभी और जानकारियाँ मिलना और आगे जांच में जो चीज़ें आना है वो बाकी है। जांच चल रही है, जानकारियाँ आ रही हैं लगातार। इरफान हिंदू और दूसरे धर्म के मूक बधिर, माने जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता था और बच्चों से दूसरे धर्म की बुराइयाँ करता था, उन्हें भड़काता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। यही नहीं, मूक बधिर बच्चों की सूची में धर्मांतरण कराने वाले मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम को भी उपलब्ध कराता था। इरफान की जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में उसके भाई बताते हैं कि इरफान तीन भाइयों में सबसे छोटा है। बीड के जिले के सिरसाला गांव के जायकवाड़ी मोहल्ले में इरफान का टीन शेड का घर है। इरफान के पिता ख्वाजा खान एसटी महामंडल में मैकेनिक की नौकरी करते थे और साथ साथ पहले उनकी मौत हो चुकी है। नौकरी करते हुए ख्वाजा खान ने परली बैजनाथ शहर में मकान लिया था। यहीं पर 1986 में इरफान का जन्म होता है। इरफान के भाई फरखान कहते हैं कि शुरुआती पढ़ाई इरफान की परली के बिलाल उर्दू स्कूल से हुई है। इसके बाद सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एजुकेशन परली के बैजनाथ कॉलेज में उन्होंने पूरी की और 2013 में उसकी चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री में नौकरी हो गई। 2015 में उसकी शादी होती है और फरखान के जैसा कि उन्होंने बताया है, इरफान दिव्यांग बच्चों के लिए काफ़ी काम करता है। गांव वालों ने भी इसकी तारीफ की थी, वो बोले कि ऐसा काम यानी कि धर्मांतरण का काम वो नहीं कर सकता। अब जब इसकी अरेस्टिंग हो गई है तो ये भी बताया जा रहा है इस टिप के द्वारा कि फरकान की जो गिरफ्तारी है उसकी
खबर अभी तक उसकी माँ को नहीं दी गई है, क्योंकि उसकी माँ इस समय बीमार है और काफ़ी बीमार रहती है वो। फरखान कहते हैं कि अगर ये जानकारी उनकी माँ को हो गई तो उनकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। इरफान अभी फरवरी में ही अपने माँ और भाइयों से मिलने गया हुआ था। और अजीब बात यह है कि ये भी सबको बहुत अजीब लग सकता है कि मोदी की आवाज़ बनने वाला धर्मांतरण का आरोपी है। अपने आप में सबको चौंका के देने वाली बात है ये। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, धर्मांतरण का जो मुद्दा है काफ़ी गर्मा रहा है। और सबसे हैरानगी की बात ये है कि दो बार वो देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर चुका है, उनकी आवाज़ बन चुका है, और अब वो व्यक्ति जो है ATS ने गिरफ्तार किया है, उसकी मंगलवार देर शाम को गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी सारी जानकारियां उससे मिलने की उम्मीद ATS कर रही है। मैं आपको पूरे अपडेट देती रहूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर अपना लाइक तो कर ही दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।